नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आज पहला मैच है इंडिया और वेस्ट इंडीज का, फर्स्ट T20 आई, ये उसकी वीडियो है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हर एक बात को बारीकी से समझिएगा। बहुत अच्छा मैच होने वाला है। कौन कौन से प्लेयर अच्छा खेलने वाले हैं, कौन कौन से प्लेयर अच्छा नहीं खेलने वाले हैं, पिच का रिपोर्ट कैसा है, हर कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ आपको कम से कम आठ आठ ड्रीम टीम के प्लेयर बताने वाला हूँ आज के मैच में। तो वीडियो शुरू करते हैं, और जो लोग नए हैं वो लोग इस जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आप ही का चैनल है जिससे आप अच्छी विनिंग कर सकते हैं। द 100 का मैच शुरू हो चुका है, एक एक मैच सबके हो जाएंगे, फिर देखिएगा हमारा कमाल किस तरीके से, चीज़ें हमारी बिल्कुल 100 के ऊपर कैसे पकड़ बनती है। और हर लोग ग्रैंड लीग में टीम जीतेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग करोड़ों और 50 लाख रुपये जीतेंगे, लेकिन आप प्रॉफिट में रहोगे, ये वादा है मेरा। तो वीडियो शुरू करता हूं और लेकर चलता हूं आपको सीधा स्क्रीन के ऊपर, और दिखाता हूं आज की जो कौन कौन से प्लेयर खेलने वाले हैं, कौन कौन से प्लेयर जो हैं आज उनको पिक करना चाहिए हमें, कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो आज ग्रैंड लीग में कैप्टन और वाइस कैप्टन के प्रबल दावेदार हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं सीधा स्क्रीन की तरफ। तो आप देख रहे हैं इंडिया टूर ऑफ वेस्ट इंडीज 2023, ब्रायन लारा स्टेडियम त्रिनिदाद में ये मैच होने वाला है। सिर्फ एक T20I मैच यहाँ पर हुआ है, फर्स्ट T20I मैच है। 3 अगस्त यानी रात को 8 बजे है, 7:30 बजे एक्यूरेट लाइनअप्स आ जाएगा। सात मेरे ख्याल से 7:35 35 40 तक आपको लाइनअप देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा लेट ही आएगा, वेस्ट इंडीज का मैच है इसलिए थोड़ा सा लाइनअप्स आपको देरी से देखने को मिलेगी बेसिकली। तो अब हम देखते हैं कि हमारा प्लेइंग 11 क्या होने वाला है इस ग्राउंड पर, जो है प्लेइंग 11 हमारा क्या होने वाला है। ये देखिए पॉसिबल प्लेइंग 11 मैंने लिखा हुआ है, जिसमें शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ज़्यादातर चांस है कि ये लोग आएंगे आज फर्स्ट बैटिंग करने के लिए। और ओपनिंग जोड़ी जो होगी शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ईशान किशन और संजू सैमसन में से दोनों में से कोई एक आज टीम में शामिल हो सकता है। ईशान किशन का भी अभी वनडे में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, संजू सैमसन का वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। तो देखना ये है कि हार्दिक पांड्या किसे लेकर आता है। ठीक है, 2 नंबर पे जो खेलने आएगा वो प्लेयर है तिलक वर्मा, तो इसको कंसीडर कीजिएगा, इसको आप लोग टीम से ड्रॉप मत कीजिएगा क्योंकि इस बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था IPL में तिलक वर्मा का। इसके बाद हार्दिक पांड्या, एस यादव, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई और वाई चहल में से कोई एक खेलेगा। रवि बिश्नोई का रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। उमरान मलिक और आवेश खान में से कोई एक खेलेगा, और मुकेश कुमार। तो ये मेरे हिसाब से जो है अभी जो मेरे पॉसिबल प्लेइंग 11 हैं वो ये प्लेयर बनते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वेस्ट इंडीज की तरफ से कौन कौन से हैं। तो ब्रैंडन किंग्स एंड काइल मेयर्स, जे चार्ल्स एंड साई होप, दोनों में से कोई एक खेलेगा। निकोलस पुरन आएंगे 2 नंबर पर, सिमरन हिटमायर हैं, रोमन पॉवेल हैं, रोस्टन चेस है, जोसन हेल्डर है, और आर शेफर्ड और ओडियन स्मिथ में से कोई एक आएगा। अकील हुसैन तो खेलेगा ही खेलेगा। अल्जारी जोसफ और थॉमस में से कोई एक खेलने को आपको देखने को मिल जाएगा। हम बात करते हैं सीधा हेड टू हेड, क्योंकि अभी तक जो भी मैचेस हुए थे तो जो प्लेयर कंटिन्यू पहले खेल रहे थे वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट अभी तक खेले हुए हैं वो फिलहाल इस मैच में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए मैंने वो प्लेयर्स निकाले हैं जो फिलहाल अभी हैं। तो आइए देखते हैं कि वेस्ट इंडीज के जो बैट्समैन है वो इंडिया के अगेंस्ट हेड टू हेड में उनका किसका क्या रिकॉर्ड है। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्रैंडन किंग जो है आपको दिखाई दे रहा है। ब्रैंडन किंग सेकेंड इनिंग में 13, फर्स्ट इनिंग में 20 और फिर सेकेंड इनिंग में 68। तो ब्रैंडन किंग का एक्चुअली में अगर देखा जाए ना तो सेकेंड इनिंग में इसका रिकॉर्ड अच्छा होता है ब्रैंडन किंग का। काइल मेयर्स को जो है का जो रिकॉर्ड है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट इनिंग में, ये खिलाड़ी बहुत अच्छा खेलता है। फर्स्ट इनिंग में अगर काइल मेयर्स बैटिंग करे तो आप इसको कैप्टन या वाइस कैप्टन के तौर पर देख सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि इंडिया का नहीं है या इंडिया का ही कैप्टन होगा, दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं है। ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो आपको इंडिया के इमोशन से बाहर निकलना पड़ेगा, और इंडिया के इमोशन से जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे तो आप समझ सकते हो कि क्या होगा। अगर आप फैंटेसी या ड्रीम इलेवन पे टीम बना रहे हो तो हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करके और फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अगर काइल मेयर्स फर्स्ट इनिंग में खेलेगा तो अच्छा रन मार सकता है, वैसे भी अगर ये टिक गया, 2-3 ओवर भी टिक गया तो आगे चल के ये मतलब धुआंधार पारी खेल सकता है, 60-70 रन से ऊपर बनाएगा। साई होप का भी फिलहाल कोई रिकॉर्ड नहीं है लेकिन फिर भी फर्स्ट इनिंग में इसका रिकॉर्ड अच्छा रहता है। रोमन पॉवेल का अभी जो परफॉर्मेंस है वो जिस तरीके के रोमन पॉवेल को हम जानते हैं उस तरीके के रोमन पॉवेल का रिकॉर्ड नहीं है।
निकोलस पुरन का रिकॉर्ड ये है फिलहाल, हालांकि अभी ये है, लेकिन जहां से ये निकोलस पुरन खेल कर आ रहा है वहां से ये धुआंधार मतलब 137 रन 150 रन बनाकर आया है खिलाड़ी भाई, 13 छक्के 10 चौके मारकर मतलब बहुत बढ़िया खेल के आया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस जगह से वो रिटर्निंग आया हुआ है खेल कर, तो आकर इंडिया में भी वैसे ही तबड़तोड़ इंडिया के बैट्समैन बॉलर को तबड़तोड़ मारेगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन किस तरीके से टीम बनानी है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। सिमरन हिटमायर खास तौर पे सेकेंड इनिंग में अच्छा खेलते हुए दिखाई देते हैं, मिडिल ऑर्डर में आएंगे। जैसन होल्डर का कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, अल्जारी जोसेफ हकील तो बैट्समैन के तौर पे देखा जाए तो कुछ खास नहीं है। अब इनको किस तरीके से हमें टीम में लेना है, तो सेकेंड इनिंग में आता है तो दोनों ओपनर यानी ब्रैंडन किंग और काइल मेयर में से कोई एक कौन होगा। अगर सेकेंड इनिंग वेस्ट इंडीज जाती है तो हमें ब्रैंडन किंग को रखना है, और अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करेगी वेस्ट इंडीज तो हमें काइल मेयर्स को रखना है। इस तरीके से आपको प्लेयर्स को चुनना है, ठीक है। साई होप को फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप कर दीजिएगा, निकोलस पुरन को रख दीजिएगा सेकेंड इनिंग में, सिमरन हेटमायर को रख दीजिएगा बैटिंग के लिए, वेस्ट इंडीज की तरफ से ये बेहतरीन प्लेयर होंगे। हम आते हैं वेस्ट इंडीज के बॉलर की तरफ और देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से यहाँ पे वेस्ट इंडीज के जो बॉलर हैं वो इंडिया के अगेंस्ट कैसे कैसे कौन कौन परफॉर्मेंस किया है, जिसमें अल्जारी जोसेफ फर्स्ट इनिंग में 2 विकेट, फर्स्ट इनिंग में 2 विकेट, फर्स्ट इनिंग में 1 विकेट और सेकेंड इनिंग में जो है 0 विकेट। वैसे भी अल्जारी जोसेफ का फर्स्ट इनिंग में रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। अकील हुसैन 1-1 विकेट, ये तो खिलाड़ी ऐसा है जो 40-45 पॉइंट आपको हमेशा देकर जाएगा। ओबोय मकोए का जो है आप देख रहे हैं फर्स्ट इनिंग में 2 विकेट, फिर फर्स्ट इनिंग में 6 विकेट, फिर फर्स्ट इनिंग में 1 विकेट, सेकेंड इनिंग में 0 विकेट और फर्स्ट इनिंग में 0 विकेट। ओ मकोए जो है फर्स्ट इनिंग में इंडिया के अगेंस्ट बहुत अच्छा चाहता है, 1 से 2 विकेट ये ले सकता है। जैसन होल्डर भी 1 से 2 विकेट लेता है सेकेंड इनिंग में और फर्स्ट इनिंग में, इसका मैटर नहीं करता, ये बोथ में दोनों में ठीक ठाक चलता है। अब बात करते हैं ओडियन स्मिथ, फर्स्ट इनिंग में 1 बार खेला, 3 विकेट लिया और बाकी रोस्टन चेस का भी फिलहाल कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। अभी नए खिलाड़ी हैं, उनको भी किस तरीके से रखना है मैं आपको वो भी बताऊंगा आगे चल के। इंडियन बैट्समैन अगेंस्ट वेस्ट इंडीज हेड टू हेड में अगर देखा जाए तो संजू सैमसन जब भी खेला 1 बार खेला, फर्स्ट इनिंग में 30 रन बनाया और 1 बार खेला तो 15 रन बनाया। हार्दिक पांड्या 31 और 28 रन है हाईएस्ट स्कोर, और एस यादव जो है फिलहाल आपको जो रेगुलर खेलने वाले खिलाड़ी हैं वो एस यादव निकल के बाहर आ रहे हैं, जिसमें से सेकेंड इनिंग में 1 बार 76 रन बनाए हैं। वैसे भी आपको पता होगा तो आप ध्यान दीजिएगा, एस यादव का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिकॉर्ड मेरे हिसाब से सेकेंड इनिंग में ही ज़्यादा आता है। तो ये अभी सुमन गिल का T20 का जो हेड टू हेड में है, पिछले 5 मैचेस अभी इधर नहीं खेले हुए, पहले का तो रिकॉर्ड भूल जाइए, T20 में IPL में क्या रिकॉर्ड बनाया और कहाँ पे क्या बनाया वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है आज परिस्थिति कैसी है, ठीक है। पिच की अगर हम बात करते हैं तो जो पिच है वो बैलेंस्ड पिच देखने को मिलेगा, हो सकता है कि बैट्समैन रन बनाए बट बॉलर्स यहाँ पर कमाल करते हुए दिखाई देंगे, इस बात को आप दिमाग में नोट कर लीजिएगा। इंडियन बॉलर्स कौन से हैं जो वहाँ पर बहुत ही अच्छा खेलते हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है इनका, उसमें से एक खिलाड़ी है अर्शदीप सिंह, सेकेंड इनिंग 3 विकेट, फर्स्ट इनिंग 1 विकेट, फर्स्ट सेकेंड इनिंग 1 विकेट, सेकेंड इनिंग 2 विकेट, सेकेंड इनिंग 0 विकेट। यानी कि अर्शदीप सिंह को आपको रखना ही रखना है, और सेकेंड इनिंग में अगर अर्शदीप सिंह बॉलिंग कराएगा, सेकेंड इनिंग में अगर अर्शदीप सिंह बॉलिंग कराता है तो आप अर्शदीप सिंह को वाइस कैप्टन या कैप्टन बना सकते हैं, फर्स्ट इनिंग में आप नहीं। इसके बाद अवेश खान सेकेंड इनिंग में 2 विकेट, फिर सेकेंड इनिंग में 1 विकेट, सेकेंड इनिंग में 0, फर्स्ट में 0। अवेश खान भी सेकेंड इनिंग में विकेट लेता है। इसके बाद हम देखते हैं रवि बिश्नोई, मैंने जिसके बारे में बोला, ये देखिए रवि बिश्नोई का सेकेंड इनिंग में 2 विकेट, फिर सेकेंड इनिंग में 2 विकेट, फिर सेकेंड इनिंग में 4 विकेट। रवि बिश्नोई वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जब भी खेला है 2 विकेट कम से कम लेकर गया है, रिकॉर्ड भी बहुत बढ़िया है, मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ। हार्दिक पांड्या फर्स्ट इनिंग में 1 विकेट, सेकेंड इनिंग में 1 विकेट। अक्षर पटेल 1 बार खेला, सेकेंड इनिंग में 3 विकेट। कुलदीप यादव 4 ओवर में 3 विकेट सेकेंड इनिंग में। आप वीडियो को पॉज करके आराम से इनके स्टैट्स देख सकते हैं। टॉप बैटर्स कौन से हैं जो दोनों साइड से हमें देखने को मिलेंगे, तो देखिए हार्दिक पांड्या 10 मैच खेला है, 235 रन बनाया है, 9 विकेट भी लिया है और 29 का एवरेज है, 129 का स्ट्राइक रेट है किसका, हार्दिक पांड्या का। एस यादव यानी कि सूर्य कुमार यादव 10 मैच खेला है, 466 रन बनाया है, 77 रन का एवरेज है, 171 का स्ट्राइक रेट है, बहुत ही बढ़िया स्ट्राइक रेट है। ब्रैंडन किंग 8 मैच खेला, 227 रन, 32 का एवरेज है, 141 का स्ट्राइक रेट है। जॉनसन चार्ल्स का जो है 7 मैच में 247 रन है, 35 का एवरेज है। निकोलस पुरन 15 मैच खेला, 416 रन और 32 का एवरेज है। फिलहाल इसका जिस तरीके से अभी खेलकर आया हुआ है,
काइल मेयर्स जो है 7 मैच खेला हुआ है, 156 बनाया और 22 का एवरेज है, क्योंकि ये सेकेंड इनिंग में ज़्यादातर वेस्ट इंडीज़ खेलने चली जाती है, फर्स्ट इनिंग में इंडिया खेल जाती थी, जिसकी वजह से काइल मेयर्स का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। लेकिन अगर ये वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करेगी तो काइल मेयर्स का रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन होगा, क्योंकि ये फर्स्ट इनिंग में वैसे भी बहुत अच्छा खेलता है। टॉप बॉलर्स कौन से हैं जिनको हमें कंसीडर करना चाहिए, उसमें हार्दिक पांड्या हैं, 10 मैच में 9 विकेट, ठीक है, ये तो एवरेज और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, बट मैटर करता है कि चाहे वो 25 रन दे दे तीन ओवर में, दो ओवर में 25 रन दे दे, लेकिन 2 विकेट लेकर चला जाए तो क्या मैटर करता है, न स्ट्राइक रेट और ना इकोनॉमी, मैटर करता है विकेट, क्योंकि हमारे को पॉइंट से मतलब है, हम फैंटेसी खेल रहे हैं तो हमें पॉइंट से मतलब है। तो हार्दिक पांड्या 10 मैच में 9 विकेट, अर्शदीप सिंह 9 मैच में 13 विकेट लेकर जा चुका है, इसलिए मैंने बोला अर्शदीप सिंह हमारे लिए जरूरी है। ओडियन स्मिथ 9 मैच में 11 विकेट लेकर जा चुका है, अल्जारी जोसेफ 8 मैच में 17 विकेट, आप देख रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट बहुत ही बेहतरीन वाला परफॉर्मेंस होता है अल्जारी जोसेफ का, ऐसा नहीं है कि 4-5 विकेट लेकर जाएगा, लेकिन 2 विकेट 3 विकेट आराम से लेकर जाता है। आप इसे अल्जारी जोसेफ को अपने टीम में और अर्शदीप सिंह को, दोनों को आप अपने टीम में डिफॉल्ट पिक में शामिल कर सकते हैं, और अगर रवि बिश्नोई खेला तो आप इसे भी डिफॉल्ट पिक में रख सकते हैं, इसे भी ड्रॉप नहीं कर सकते। कुलदीप यादव 5 मैच में 11 विकेट लेकर जा चुका है, ओ मुखोए 5 मैच में 9 विकेट। तो ये हैं जो बॉलर्स जो हेड टू हेड में बहुत ही बढ़िया इनका परफॉर्मेंस रहा है। फिलहाल ये सारे रिकॉर्ड्स आपके सामने हैं जो मैंने आपको बता दिया, मैं आपको नंबरिंग नहीं बता सकता, स्कोरिंग पैटर्न जो यहाँ पे बैटिंग ऑर्डर किस तरीके से बैटिंग परफॉर्म करती है, क्योंकि अभी तक सिर्फ एक मैच हुआ है और उसका कुछ खास मतलब नहीं बनता, जब तक कि 3-4 मैचेज ना हो जाए तो हमें एक पैटर्न नहीं दिखाई देता है। हम आते हैं ड्रीम इलेवन पर और देखते हैं आज के मैचेस का क्या शेड्यूल रहता है, किस तरीके से टीम है। मैंने टीम हालांकि बना रखा है अलग अलग तरीके से, बट आपके सामने मैं एक टीम तैयार कर रहा हूं, और ये देखिए मैं यहां से जो है किसे किसे, अब हम सबसे पहले जो मैं 8 ड्रीम टीम प्लेयर जो मेरे हिसाब से हो रहे हैं उनको मैं आपको बताने जा रहा हूं। निकोलस पुरन, ईशान किशन या संजू सैमसन, दोनों में से कोई एक लेगा तो हम इसको रख लेंगे, फिलहाल मैं ईशान किशन के साथ जा रहा हूं, तो ईशान किशन हो गया। इसके बाद यहां से सूर्य कुमार यादव, और अब आपको देखना यह है दोस्तों कि यशस्वी जायसवाल, मतलब फर्स्ट में अगर इंडिया बैट करेगी तो हम यशस्वी जायसवाल को रख लेंगे, नहीं तो हम सुमन गिल के साथ भी जा सकते हैं, वैसे मैं यशस्वी जायसवाल के साथ जा रहा हूं, ठीक है। अगर जरूरत पड़ी लाइनअप्स के बाद किस तरीके से चीजें बदलती हैं तो मैं आपको जो टेलीग्राम के ऊपर टीम दूंगा, हो सकता है तिलक वर्मा को मैं ऐड कर लूं। फिलहाल मैं एस यादव और यशस्वी जायसवाल के साथ जा रहा हूं। इसके बाद हार्दिक पांड्या, काइल मेयर्स, ये जो है हमारे लिए बहुत ही जो है जरूरी, जो बोलते हैं जरूरी हो गए। अब हम आते हैं सबसे पहले बॉलिंग सेक्शन में, यहां से हम लेंगे अल्जारी जोसेफ को और यहां से लेंगे अर्शदीप सिंह को। रवि बिश्नोई को पिक करेंगे, अगर ये खेलते हैं लाइनअप में आ गए तो ठीक है, नहीं आएंगे तो हम चेंज कर लेंगे। इसके बाद हम यहां से उठाते हैं अक्षर पटेल और जैसन होल्डर, ये फिलहाल मेरे हिसाब से जो है आज की जो मैच है उसके अभी के लिए फिलहाल के लिए मेरे प्लेयर्स हैं, जिसमें मेरे 30% से कम के भी प्लेयर्स हैं, 90% से अब के भी प्लेयर हैं और बीच वाले भी हैं। अब हम बात करते हैं कि कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे रखा जाए। अगर इस टीम के साथ मैं जाऊं और इंडिया बैट फर्स्ट करेगी, ठीक है, तो मैं यहां पर यशस्वी जायसवाल को या ईशान किशन को कैप्टन बना सकता हूं या वाइस कैप्टन बना सकता हूं, नहीं तो मैं अगर वेस्ट इंडीज बैट फर्स्ट करेगी तो मैं यहां पर काइल मेयर्स को भी कैप्टन बना सकता हूं। फिलहाल मैं यहां पर अगर सपोज कीजिए कि फर्स्ट इनिंग में जो है इंडिया बैट कर रही है, फर्स्ट इनिंग में इंडिया अगर बैटिंग करती है तो उस हिसाब से मैं यहां पर हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाऊंगा और अर्शदीप सिंह को वाइस कैप्टन, ये मेरे हिसाब से फिलहाल ऐसे होगा। या आप चाहें तो वेस्ट इंडीज बैट फर्स्ट करेगी तो आप काइल मेयर्स को कैप्टन बना लीजिए और हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन बना दीजिए, इस तरीके से भी आप जा सकते हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या फर्स्ट बॉलिंग करता है तो इसको विकेट मिल जाते हैं, 1-2 विकेट मिल जाएगा, सेकेंड इनिंग में इसको खेलने को भी मौका मिलेगा, 30-40 रन बनाएगा तो वाइस कैप्टन बन जाएगा। काइल मेयर्स, आपको भी पता है कि काइल मेयर्स जो है फर्स्ट 1-2 ओवर ये हमेशा कराते हुए दिखाई देते हैं, काइल मेयर्स फर्स्ट में 1-2 ओवर कराएगा और फर्स्ट बैटिंग करेगा तो कोई नहीं जानता कि आज ये कैसा खेल कर जाएगा। अक्षर पटेल को भी विकेट मिल जाता है, आप चाहें
तो अक्षर पटेल को कैप्टन या वाइस कैप्टन का दे सकते हैं। चांसेस क्या होगा मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा कि किस सेक्शन से सबसे ज़्यादा चांसेस हो सकता है कि कैप्टन बनाया जाए, टेलीग्राम पे मैं आपको बाकी की चीज़ें पोस्ट कर दूंगा। तो दोस्तों ये है अभी के लिए फिलहाल जो मेरे हिसाब से आज की टीम तैयार हो रही है वो ये है। फिर अभी थोड़ी देर बाद में फिर से एक वीडियो अभी और आएगी, वो आएगी द 100 की जो आज रात 11 बजे से खेली जाएगी। तो फिलहाल ये है, आप बिल्कुल इत्मीनान से देख लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।